पूरा चिकन है, काजू हो गया, बादाम हो गया और ये खसखस खसखस और काजू का पेस्ट है। ये पहले दूध डालेंगे, दूध इसलिए डाल रहे हैं जो वेपोराइज अच्छे ढंग से हो जाएगा। ये देखो दोस्तों किस तरह से दूध बह रहा है। तो ये कच्चे आटे की रोटी बनेगी, दूर में लटकता हुआ रहेगा, पूरा टच नहीं होगा। नीचे से इसकी हालत देखो आप, ऊपर से आप देखो, अगर लटकाते नहीं तो पूरा ये ओवर कुक हो जाता है। इसको तोड़ेंगे अपन। अच्छा तोड़ेंगे, चीजें खोली जाती है या तोड़ी जाती है। गरम है जी, आराम से आराम से आराम। ओ ओ ओ ओ ओ सर, ये जो डिश है यही खाने की है। कोई बोले कि मुझे पार्सल करके ले जाना तो खोल नहीं पाएगा, हाथ जल जाएगा। और रफी साहब ये गाना गाते हैं, ये जो चिलबन है दुश्मन है हमारी। जैसे ही चिलबन से निकली वो उसको गायब कर दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज मैं हूँ उदयपुर में, सिटी ऑफ लेक्स। और उदयपुर में आज हमारा दूसरा दिन है और मैं आपको बताऊँ, आज मैं है ना बहुत यूनिक रेसिपी लेकर के आपके लिए कंवर कलेवा रेस्टोरेंट से लेकर के आया हूँ। बहुत ही एक अच्छी जगह, ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ आपको हमेशा अगर आप आएंगे ना तो आपको एक नई और यूनिक चीज खाने को मिलेगी, मटन हो चाहे चिकन हो। हमने मटन रेसिपीज बहुत की है यहाँ की, आज हम आपके लिए ना एक चिकन रेसिपी लेकर के आए हैं यहाँ से, जो कि आपने इससे पहले बहुत कम सोशल मीडिया पे देखी होगी और खाई तो बिल्कुल ही नहीं। अंदर चलते हैं, हुकुम से बात करते हैं और देखते हैं कि वो रेसिपी बनती कैसे है। आइए, कैसे हैं हुकुम? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पधारिए, आपका स्वागत है एक बार फिर कुंवर कलेवा में। सर की मटन रेसिपीज तो बहुत जोरदार हैं, हमने ट्राई भी की, आपको बहुत दिखाई भी है। चिकन के लिए मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ यूनिक चिकन रेसिपीज दिखाइए, तो हम मुझे तो यूनिक का आता है ना नाम, तो उदयपुर में एक ही जगह आ जाता हूँ, कुंवर कलेवा। आज हम आटा चिकन बनाएंगे जी। तो आटा चिकन बलोचिस्तान की लॉस्ट रेसिपी है, चिलमन चिकन भी बोलते हैं। अब चिलमन चिकन क्यों बोलते हैं मैं आपको जब बनाएंगे तब बताऊंगा। इसका बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही यूनिक है, आइए चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बिल्कुल चलिए सर, आइए। तो देखो दोस्तों, सारी चीजें यहाँ पर ना हुकुम ने बिल्कुल लगा के रखी है बहुत ही अच्छे से। बाकी आइए जानते हैं सर से। जी हुकुम सर, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये चिकन है, बिल्कुल 1 kg के आसपास का ये चिकन है, ठीक है। फिर वही हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये भुने हुए सारे मसाले हैं। तुम रोस्ट किया हुआ है? रोस्ट किया हुआ है। अच्छा, इसमें ये खड़ा धनिया हो गया, सिनेमन हो गया और मिर्ची हो, है ना, और काली मिर्च भी है। काली मिर्च है, इसको पीस के डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, फिर ये आपका काजू हो गया, ये अफीम के बीज जो होते हैं, अफीम के बीज हैं। अच्छा, ये खाने का बहुत फायदा है, इसमें फाइबर होता है तो ये अपने जो कब्ज की जो समस्या होती है उसको दूर करता है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो इसको पीस के दूध में डाल के पी लीजिए तो आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। तो इसको अपनी डाइट में अपन अगर शामिल करेंगे तो बहुत फायदेमंद चीज है। तो दोस्तों देखो, जैसा कि सर ने बताया था कि आज हम जो चिकन बनाने वाले हैं ना, ये बलूचिस्तान की लॉस्ट रेसिपी आप कह रहे थे, है ना? और मैंने भी इसको कहीं यूट्यूब पे देखा था और फिर मैंने इसको यहाँ ट्राई किया पहले तो। अच्छा, इस पे कितने ट्रायल्स किए आपने फिर? इस पे काफी ट्राई किए, मतलब समझे कि 8-10 चिकन तो इन्वेस्ट कर दिए इसके नाम। अच्छा, फिर धीरे धीरे परफेक्टली हो जाता है। थोड़ा टाइमिंग कर से वो बनाते तो टाइमिंग कोई भी नहीं बताता है, लेकिन तो आपने बस थोड़ा अपना सा एक्सपेरिमेंट करके और थोड़ा देख के आपने कर लिया। बहुत बढ़िया, और बहुत आपने ये चीज बोली ना कि आपने YouTube से ही सीखा है, तो बहुत जेन्युइन लगा ये। हर कोई बताता नहीं, वो बोलता नहीं हमको आता है सब कुछ। नहीं सर। तो देखो दोस्तों, ये है सारे मसाले, है ना, सब बताया इन्होंने क्या क्या इसमें यूज होने वाला है। और एक पूरा जो है चिकन, और तकरीबन 1 kg का ये चिकन है यहाँ पर है और बिल्कुल साफ करके, साफ किया हुआ है और इसपे अपन ने कट लगा दिए है जी, गहरे गहरे कट लगा दिए इसपे, ये सब जगह इसमें कट लगा दिए। तो अपन इसका मैरिनेट करेंगे अभी, पीस के डालेंगे। अच्छा, ये तीनों एक साथ पीस लेंगे हम, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैरिनेशन करते हैं इसका जी। तो दोस्तों देखो, ये दोनों चीजें जो हुकुम ने बताई थी कि ये जो मसाले थे खड़े वो पिस करके आ गए, और ये काजू बादाम और खसखस का ये पेस्ट है। अब होगा जी मैरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट। अब मैरिनेशन करते हैं अपन हुकुम। तो जी सबसे पहले अपन इसकी मिर्ची लगाते हैं। अच्छा, मिर्ची लगाते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें मिर्ची डाल दी और ये गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी आ गई जी, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, बिल्कुल ठीक है। तो ये आधा चम्मच सर ने नमक डाल दिया है और ये कूटा हुआ मसाला, जो ये कूटा हुआ जो हमने अभी पिसवाया था, है ना? बहुत बढ़िया। तो ये इसमें डाल देंगे। कब आपको लगा कि ये रेसिपी करनी चाहिए, या फिर किसी की डिमांड आई या आपने पहले नहीं, लाए? पहले मैंने, क्योंकि मेरे को अलग अलग तरह खाना खाने का तो शौक है ही और बनाने का ज्यादा है मुझे, तो मैं जब भी YouTube पे कोई चीज देखता हूँ मुझे अच्छी लगती है तो पहले मैं अपने लिए बनाता हूँ। अच्छा, तो और फिर अगर मुझे स्वाद लगता है तो फिर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में उनको चेक करवाता हूँ कि देखो ये मैंने बनाया है
कैसा है। अच्छा। मैं रेस्टोरेंट में सर्व करना चाहता हूँ इसको जी, तो जी, वो जी। बोलते कि नहीं यार अच्छा है, दो चार जने से जो हमारे अच्छे कस्टमर है उनको भी टेस्ट कराता हूँ, तो फिर वो बोलते कि नहीं अच्छी है अपने को रेस्टोरेंट में, वहाँ से अप्रूवल आता है तो फिर आप इसको मेन्यू में डाल देते हो। बहुत सही। तो दोस्तों देखो एक बार मैं रंगत आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मसाले और जो दरदरे पीस करके मसाले डाले हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं ना। ऐसी ये अपन ने सेक के डाले सर सबको, हुकुम भून के डाल दी। तो ये पेस्ट ये अदरक लहसुन का, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये भी तकरीबन दो चम्मच हमने डाला है। और ये देखो फाइनली ये जो पेस्ट है ना, खसखस बादाम और काजू का पेस्ट है, ये इसमें जा रहा है। अब इसकी मालिश करेंगे मालिश करेंगे हमारे महेंद्र सिंह जी, इसकी मालिश करेंगे। अच्छा हाँ। तो ये देखो दोस्तों, ये अब मैरिनेशन प्रोसेस के लिए इसकी मालिश हो रही है। तो ये देखो दोस्तों, ये हो गया है जी, पूरा मैरिनेट कर दिया इसको। ये थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखेंगे। ओके, पांच भी रख सकते हैं, और अगर ओवरनाइट भी अगर आपने इसको मैरिनेट करके रखोगे तो स्वाद अच्छा आएगा इसका। तो कम से कम आपने कहा दो घंटे तो होने ही चाहिए, तो हमने मैरिनेट करके रखा है मैंने। बहुत बढ़िया, टाइम भी बचेगा, बहुत शुक्रिया। एक मोटे आटे की रोटी बनाएंगे, कच्ची रोटी होगी जी, रोटी बनेगी। तो ये कच्चे आटे की रोटी बनेगी और इसमें ही एक्चुअली वो बंधेगा, है ना? इसमें बंधेगा वो। और जो मैं आपको बोला ना चिलमन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। चिलमन ये होता है, चिलमन का मतलब होता है पर्दा, और ये मलमल के कपड़े में बंधता है। अच्छा ठीक है। और एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी पहले जिसमें महबूब की मेहंदी, मुझे आज भी याद है। अच्छा। उसमें राजेश खन्ना और लीना चंद्राकर हीरोइन होती है, और रफी साहब ये गाना गाते हैं, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। ये मैंने भी सुना है गाना, बहुत बहुत अच्छा गाना, पसंद का गाना है। मतलब ये चिलमन वहां से है, और अपन भी पर्दे के अंदर इस चिलमन में बनाएंगे आपको जाने के लिए। अरे वाह ठीक है। ये अपने बादाम भी हमने मसाले में मैरिनेट करके। अच्छा, इसमें बादाम है? हाँ। ओके, एक बार हुकुम थोड़ा सा दिखाइएगा इसमें। ये देखो दोस्तों, ये बादाम जो छिले है, बादाम छिले हुए बादाम है, और इसको मसाले में मैरिनेट करके अब इसमें डाला है हमने। बहुत बढ़िया। तो अभी इसको देखो इस तरह से ये उठाया और ये डाल दिया जी इसमें, क्या बात है। तो ये बलूचिस्तान की आपने बताया। हाँ, ये रेसिपी बलूचिस्तान की लॉस्ट रेसिपी है। मैं जो भी कस्टमर इस डिश को खाता है तो मैं उनसे रिव्यू लेता हूँ वापस कि सर कैसा लगा, आपको कमी हो तो बताएं। तो ये देखो दोस्तों, पूरा जो है ना इस कपड़े में बांध दिया है चिकन को, और अब क्या करेंगे हुकुम इसके बाद? इसको रोटी के ऊपर रख के पैक कर देंगे। अच्छा, पहले दूध डालेंगे, दूध इसलिए डाल रहे हैं हुकुम जो वेपोराइज अच्छे ढंग से हो जाएगा, और इसमें जो काजू बादाम और पोस्ट के दाने हैं उसका टेस्ट और उभर के आएगा इस दूध। ये देखो दोस्तों किस तरह से पूरा जो कपड़ा है मलमल का, इसमें से देखो किस तरह से दूध बह रहा है। तो ये पूरा भिगो दिया अपन ने इसमें, है ना? हाँ। अब इसको रोटी पे ले लेंगे इसको। ये देखो ये आया जी, ये रोटी पे ले लिया। बहुत बढ़िया, देखो एक पूरा बढ़िया बड़ा बड़ा एकदम से। अब इसको देखो ये जो अच्छा, इस दूध को इस पे भी लगाएंगे, चिपक रोटी चिपक जाएगी। देखो दोस्तों, ये बहुत एक ऑथेंटिक प्रोसेस है, एक पूरी एक रेसिपी है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। बिल्कुल, है ना? उसके बाद दूध में मलमल के कपड़े में डाल के, और फिर लास्ट में इस तरह से आटे में पैक करना पड़ता है। और ये थोड़ा हार्ड आटा बनाया आपने, है ना? हार्ड आटा है, इसमें जब तंदूर में डालेंगे तो जलेगा नहीं। अच्छा, तो ये शेप ले लिया इसने अब। बहुत सही। तो हुकुम कितनी देर इसको तंदूर में रखा जाता है? लगभग इसको दो घंटे रखना पड़ेगा, अंदर ही पकेगा ये। अच्छा, ये है जी पूरा पैक हो गया है। ठीक है, और अपन इसको तंदूर में डाल देंगे। वाइंडिंग वायर से इसलिए बांध रहे हैं कि तंदूर बहुत गर्म होता है, हीट ज्यादा होती है, तो इसको निकालने के लिए अपन तार बांध देंगे। अच्छा, ताकि इजीली खींच के निकाल दे। तो देखो दोस्तों, ये तार आ गई है। इसको बनाने के इतने तामझाम है, और हुकुम ने इसीलिए बताया था कि अगर आपको ये रेसिपी खानी है तो आपको पहले प्री ऑर्डर करना पड़ेगा, सही हुकुम? बिल्कुल, आपको पहले सुबह बताना पड़ेगा कि या एक दिन पहले बताएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसके लिए तो हुकुम प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर। किसी भी नई डिश को जो अपने को नहीं आती है बनाना, और धीरे धीरे करके अपन परफेक्ट होते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये देखो आप किस तरीके से इसको बांधा जा रहा है, और इस तरह से बांध के ये देखो इसको, ये एक इन्होंने ये बनाई है ताकि इसको निकालने के लिए थोड़ा इस तरह से बनाया ना। बहुत खूब, ये तो घर में तो नहीं बनने वाली इसके लिए तो आपको कवर के लिए आना ही पड़ेगा उदयपुर में, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पर बहुत सी यूनिक रेसिपीज आपको मिलेंगी, और उसमें से चिलमन चिकन जिसको आटा चिकन भी बोलते हैं। तो अभी ये हो गया है, अभी ये उठाया इन्होंने, और अब इसको दूर में लटकता हुआ रहेगा, पूरा टच नहीं होगा आग से। क्या बात है दोस्तों, इतनी ऑथेंटिक प्रोसेस आपने कभी नहीं देखी होगी चिकन की,
और आज हम आपके लिए ये प्रोसेस लाए हैं, ये रेसिपी लाए हैं कवर कलेवा से। हुकुम, ये अपना कहाँ पर है एग्जैक्टली? कवर कलेवा अपने उदयपुर के अंदर सोभागपुरा सर्कल पे है जी। उसके अपोजिट साइड में रॉयल राजविलास एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप किसी से पूछ लिए रॉयल राजविलास जाना है या सोभागपुरा सर्कल जाना है तो आपको ले आएगा। वैसे तो कवर कलेवा ही बोलेंगे तो ही ले आएगा। नहीं, दो घंटे अपने हो चुके हैं इसको, अब अपन इसको निकाल गए फाइनली दो घंटे। तो दोस्तों देखो, अब हमारा जो है ना ये आटा चिकन रेडी हो गया, ये अब रेडी हो गया है। अब देखो ये यहाँ से निकल रहा है, ये रंगत देखो यार आप इसकी, देख रहे हो, और आवाज किस तरह से आ रही है, बहुत गरम गरम है ये, अभी जस्ट निकाला है। ये देखो धुआं इधर साइड से निकल रहा है, आप देख सकते हो। इसको लटकाने के पीछे कारण ये कि जो अगर अपन इसको तंदूर के अंदर डायरेक्ट रख देते तो पूरा जल जाता और कुक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं ना। जैसे ये नीचे से हो गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे से इसकी हालत देखो आप और ऊपर से आप देखो, अगर लटकाते नहीं तो पूरे ये ओवर कुक हो जाता। और सर ना, जो ये जो रेसिपी होती है कि अपने को किसी ने बताया और अपन ने बना लिया, यूं नहीं होता सर, तो उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। गरम है अभी तो हम अब इसको खोलेंगे, है ना? इसको तोड़ेंगे अपन। अच्छा अच्छा, तोड़ेंगे। ये देखो दोस्तों, चीजें खोली जाती है या तोड़ी जाती है, और इसीलिए कुंवर कलेवा जो रेस्टोरेंट है यूनिक रेस्टोरेंट है उदयपुर में। ये देखो यार बहुत बढ़िया, आप देखो किस तरह से खुल रहा है ये। ये देखो धुआं निकल गया, ये देखो पूरा धुआं निकल गया। ये देखो यार, और जो मलमल का कपड़ा हमने बांधा था ना, चिलमन, ये जो चिलमन है दुश्मन हमारी। क्या बात है, अब चिलमन से हमारा चिलमन चिकन निकल रहा है, धुआं देखो यार आप, मजा आ गया होगा। जो खुशबू आ रही है ना इसमें से, शानदार जूसी जो हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितने जूसेस निकले होंगे। गरम है जी, ध्यान से, आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सर, ये जो डिश है यही खाने की है? कोई बोले कि मुझे पार्सल करके ले जाना तो वो खोल नहीं पाएगा, हाथ जल जाएगा, तो यही बैठ के खाने की, यही बैठ के खाए तो ज्यादा अच्छा है ना। बाकी फिर हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप तो कितना गर्म होगा आप अंदाजा लगा लो, और यहाँ पर भी देखो धुआं निकल रहा है कंटिन्यू। अब हम इसको खोल करके देखते होंगे सर। ये देखिए ना कि बहुत सारी डिशेज होती है गार्निश करके देते हैं, हम इसको गार्निश नहीं करेंगे। जैसे ही चिलमन से निकली वो, और उसको गायब कर दिया। ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको ठंडा करने का मतलब है मजा नहीं आएगा फिर। और गरम देखो कितना है। और दोस्तों आप भी बताना, आपको मजा आ रहा हो तो कॉमेंट जरूर करना कि आप कब ये खाने आ रहे हो उदयपुर में। बस ये पर्दा खुलने वाला है। ये देखो जी खुशबू, दोस्तों खुशबू इतनी जोरदार आ रही है ना। अब इसको बस इसी चिलमन के साथ में ये डाल दिया, ओके, और ये आ गया सर। ये जो देखने में लग रहा है ना जी, तो थोड़ा सा किसी बहुत से लोग खाते तो उनको लगता है पूरा चिकन आ गया, तो अपन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कट करके भी बना, तो पीसेज में भी दे देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों स्टेप आपने देख लिया, ये देखो इसमें से निकला, यहाँ पर प्लेट में आ गया, धुआं निकल रहा है, जब तक धुआं निकल रहा है तब तक ही खा लेते हैं अपन इसको, नहीं तो टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, खाते हैं और आपको इसका पूरा स्वाद बताते हैं। रेसिपीज यूनिक है, कुंवर कलेवा जो रेस्टोरेंट है ना साहब, इतनी सही रेसिपीज हैं इनके पास, हुकुम के पास, और उनमें से एक आज एक और यूनिक रेसिपी हमने आपके लिए बनवाई है। और ये देखो, मैं आपको ना एक बार, आपने देखा था इसको किस तरह से, ये देखो यार आ रहा धुआं निकल रहा है, ये देखो किस हद तक पक चुका है, देख रहे हो ना, ये है जी गलावट। अब इसमें से मैं, भाई साहब मतलब मैं ना एक बार इसका लेग पीस उठाता हूँ और आपको बताता हूँ खा करके। ये देखो सी, ये देखो पहले तो देख रहे हो, अब अपन ना इसका लेग ले लेते हैं सबसे पहले तो। ये देखो मैंने ना पूरा तितर बितर कर दिया इसको, सॉरी फॉर दैट, बट मेरा ना मन कर रहा है अब इसका ये जो लेग है ना इसको पकावट देखी आपने इसकी, मतलब ज्यादा खींचना तक नहीं पड़ा और बिल्कुल, और जो मैरिनेशन पार्ट है इस पे बहुत बहुत शानदार। अब इसको ले लेते हैं यहाँ पे प्लेट में, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम भी है, वो उसको भी इसका मजा लेना चाहिए। इसको रखते हैं यहाँ। अब इसके साथ वैसे तो खा करके देख लिया, और जो इस पे मैरिनेशन था ना जो हमने लगवाया था, उसका टेस्ट बहुत यूनिक आएगा, क्योंकि इससे पहले जब आपने कोई मैरिनेटेड कुछ खाया होगा तो उसमें आपको कुछ चीजें नहीं दिखी होंगी, जैसे खसखस नहीं दिखी होगी, या फिर सूखे मेवे भी इसमें डले थे, तो हर किसी का एक फ्लेवर आ गया इसमें। और इसी के साथ यहाँ पे भी मसाला है, अगर मैं इसमें से ये मसाला उठाऊं इस तरह से, ये देखो यार इस तरह से, तो ये जो मसाला इस पे लगा हुआ है ना, इसका अपना खुद का एक फ्लेवर है, तो आपको किसी चीज की जरूरत इसके साथ वैसे है नहीं, बट फिर भी ये दो चीजें इसके साथ में आती है, तो आप चाहो तो वैसे भी खा सकते हो, बट ये बहुत सही है यार।
बहुत अलग टेस्ट। और ये एक स्टार्टर आइटम की तरह है जिसको आप बनवा करके प्री ऑर्डर करना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हटके बनती हैं और इसमें समय बहुत लगता है। अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ में ये दो चीजें सर्व होती हैं। एक तो जो है ये चिकन का करी है, ठीक है, तो चिकन स्टॉक है, चिकन करी है ये, इसको भी आप ले करके इसके साथ खा सकते हो। तो मैं एक बार ले लेता हूँ, ये इसके ऊपर डालते हैं अपन, देखो इस तरह है ना, सी लाइक दिस, नेक्स्ट लेवल चीज है यार। ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप कुंवर कलेवा में कर सकते हो, सीरियसली। तो ये तो अभी हमने ट्राई भी किया था, एक बार थोड़ा और मैं ले लेता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और ये एक शेजवान चटनी भी है जो इन्होंने साथ में दी है, ये दोनों चटनियां जो है ना इसके कॉम्बिनेशन में जाती है। तो ये शेजवान भी मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ अब, क्योंकि हमने ये वाली तो खा ही ली थी जो करी है। अब हम थोड़ा सा ये उठाते हैं, देखो किस तरह से है ये, कितना इजिली निकल गया अब ये शेजवान के साथ में, सी ये देखो। देखो तंदूरी चिकन खा के, लेमन चिकन, तंदूरी चिकन, उससे बहुत अलग रेसिपी है ये। जो स्वाद है ना वो भी बहुत अलग मिलेगा आपको, हालांकि स्मोकी फ्लेवर है क्योंकि तंदूर का आइटम है। किस तरह से आटे में इसको बंद करके इतनी देर, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे इसको पकने में, क्योंकि लेयर्स बहुत थी, उसमें भी ओवरनाइट रखा था इसको, इसीलिए ये गलावट आई है कि आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते हो और इस तरह से ये निकल जाता है लेयर बाय लेयर। फिर आप उस लेयर को इस तरह से, चाहे शेजवान सॉस हो चाहे करी हो, इस तरह से आप इसको लेते हो और डायरेक्टली खाते हो, सो गुड। तो हमेशा की तरह जो हमारा मकसद होता है आपके लिए नई चीज लाना, वो हम लेकर आए कुंवर कलेवा से। हमारे पहले भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें से बहुत बहुत प्यार मिल रहा है खड़मास को भी, क्योंकि वो भी बहुत यूनिक और एज ओल्ड रेसिपी थी हुकुम की। तो इस तरह की रेसिपीज जो उदयपुर में और कहीं नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ खाने को मिलती है, तो इसलिए ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ एक और चीज मैंने देखी, मैं वैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट मैंने विजिट किए हैं नॉनवेज रेस्टोरेंट, लेकिन कहीं पर भी फैमिलीज का इतना आना मैंने नहीं देखा, और उसके अलावा किसी रेस्टोरेंट, किसी नॉनवेज रेस्टोरेंट में मैंने फागोस्तव बनते नहीं देखा। इतनी सारी लेडीज थी यहाँ पर, क्योंकि हम लोग 6 दिन से उदयपुर में थे, तो एक दिन हम लोग आए, हमारा शूट था कुंवर कलेवा में, तो यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ पर फागोस्तव चल रहा था सुबह के वक्त, जहाँ पे 100 से 150 महिलाएं थी और यहाँ पे गाना चल रहा था, बजाना चल रहा था। उसके अलावा हम लोग यहाँ आए जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। तो इस तरीके की चीजें ऑर्गेनाइज करना एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में और फैमिलीज और महिलाओं का आना, ही आप देख सकते हो कि यहाँ का माहौल क्या होगा, यहाँ की वाइब क्या होंगी। तो ऑफ कोर्स नॉनवेज सर्व हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो फील एंड वाइब है बिल्कुल फैमिली रेस्टोरेंट की है, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है। बाकी टेस्ट तो लाजवाब है, बहुत खूब टेस्ट। और उसी तरह से और भी बहुत सारे आइटम है, वो आप एक्सप्लोर जरूर करना यहाँ आकर अगर आप आते हैं। और रुको मैं एक और चिकन रेसिपी बनाते हैं जो स्टार्टर में बहुत मशहूर है, वो है कोकोनट चिकन। बोनलेस चिकन होता है, कोकोनट में बनता है। तो इन सारी रेसिपीज के लिए आपको प्री ऑर्डर करने पड़ते हैं, क्योंकि इन सबको बनाने के लिए ओवरनाइट मैरिनेशन की जरूरत होती है और इतना सब कुछ प्रोसेस होता है। ऑर्डर करने के लिए जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी नंबर्स दिख रहे होंगे, तो इस नंबर पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी मैंने बहुत सारी रेसिपीज लाया हूँ यहाँ से, मुझे आज तक निराशा नहीं हुई किसी भी टेस्ट में। तो एक बार चिकन में ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करके देख, मजा आ जाएगा। आप चाहे पार्टी के साथ खाओ चाहे बिना पार्टी के साथ खाओ, बहुत अच्छी चीज, एक बार ट्राई जरूर करना। बाकी आई थिंक ये चीज ठंडी हो जाए इससे पहले, अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया और क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे निवारे ले लिए हैं, तो अब मैं आपको टेस्ट का रेटिंग दे सकता हूँ। तो आपकी जो रेटिंग होनी चाहिए ना वो यही होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। जो हमने पोर्शन बनाया, क्योंकि हमने जो बनवाया है ये पूरा अखा मुर्गा है, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और बाकी आप तो जानते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टा और फेसबुक पर भी डालते हैं ताकि आप वहां पर भी देख पाएं। और अभी हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज www.virtualbanjara.com। अगर आप हमारी कवर की हुई जगह को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। सो आई थिंक अब मेरे को अच्छे से खा लेना चाहिए। सो दिस इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। Till then, be happy.